तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने जो है कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो कि एक प्रकार का बहुत बड़ा गुड न्यूज है। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश में लगभग 5000 पदों पर जो है धमाकेदार भर्ती होने वाली है आगे। तो इन समस्त मुद्दों पर जो है काफी डिटेल में ऑफिशियल अपडेट्स के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आने से पहले देखिएगा, हमारे प्रदेश में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जॉब अपडेट्स निकले हुए हैं, उस पर भी चर्चाएं कर लेते हैं। जो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां दी गई है संक्षिप्त में बता दूं। दरअसल अपडेट जो है जांजगीर चांपा से निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से जो जांजगीर चांपा जिला है, यहाँ के विभिन्न जनपद पंचायतों में लगभग 1000 पदों पर जो है धमाकेदार भर्ती होने वाली है। इसके डिटेल्स अगर देखते हुए चलते, दरअसल डेट्स देखिए गए प्लेसमेंट कैंप का, 15 से लेकर 29 जुलाई 2022 तक, यानी कि अलग अलग डेट्स में अलग अलग जनपद पंचायतों में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। टाइमिंग देखिएगा, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये प्लेसमेंट कैंप होगा। कंपनी प्रोफाइल बता देता हूं, SIS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कराया जा रहा है। जॉब प्रोफाइल बता देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड के लगभग 1000 पदों पर जो यहां पर धमाकेदार भर्तियां होने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह है, तो आपके लिए देखिएगा यहाँ पे जॉब जो है पाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइए और अपने लिए जॉब सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह जो है, यानी कि ये साइड में जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसका PDF वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब चलिए दोस्तों, जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा, कल हमारे प्रदेश के सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है घोषणा की है, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा गुड न्यूज भी छुपा हुआ है। सब कुछ मैं बताऊंगा। साइड में देखिएगा, न्यूज़पेपर कटिंग ओपन हो गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां दी गई है इसको एकदम संक्षिप्त में और पॉइंट टू पॉइंट मैं बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा, कल सीएम साहब ने हमारे प्रदेश के गृह विभाग जो है, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग भी आता है, उसके संबंध में एक बहुत बड़ी घोषणा की। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कुछ समय पहले देखिएगा, बस्तर संभाग के लिए एक स्पेशल बटालियन का निर्माण किया गया था, जिसको नाम दिया गया था बस्तर बटालियन। अब उसी के अंतर्गत देखिएगा, एक और जो है बॉडी निर्मित की गई है, जिसको नाम दिया गया है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे पदों का सृजन किया जाएगा आगे चलकर, उसका पूरा विवरण दिया गया है, मैं बताते हुए चलता हूं। पहला पोस्ट है यहाँ पे आरक्षक का, इसके कुल मिलाकर 3136 पोस्ट रहेंगे। दूसरा देखिएगा, प्रधान आरक्षक का, इसके कुल मिलाकर 460 पोस्ट रहने वाले हैं। तीसरा देखिएगा, सहायक उप निरीक्षक के कुल मिलाकर 80 पोस्ट रहेंगे। चौथा देखिएगा, उप निरीक्षक के 40 पोस्ट रहने वाले हैं। और पांचवा देखिए, निरीक्षक के 20 पोस्ट रहेंगे, यानी कि टोटल देखेंगे तो 3736 पोस्ट यहाँ पे सृजित होने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे जो चैनल्स वगैरह है या प्लेटफॉर्म्स वगैरह है जो अपडेट्स वगैरह आपको देते हैं, उनके द्वारा कुछ कुछ गलत जानकारियां दी जा रही है। मैं पूरी गलत नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कुछ गलत जानकारियां दी जा रही है कि 3736 पदों पर आगे चलकर वैकेंसी होगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स में जितने भी पदों को सृजित किया जाएगा, इसमें से दो ही पोस्ट ऐसे हैं जिस पर डायरेक्ट भर्ती यानी कि सीधी भर्ती होती है। मैं बताते हुए चलता हूं, जो यहाँ पे मैंने आरक्षक के पोस्ट बताया 3136 पोस्ट जो सृजित होंगे, इन पर जो है डायरेक्ट भर्तियां होती है। दूसरा देखिएगा, जो उप निरीक्षक का पोस्ट है, जिसकी संख्या कुल मिलाकर 40 है, इस पर जो है डायरेक्ट भर्ती होती है, यानी कि सीधी भर्ती होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आरक्षक के कुल मिलाकर 3136 पोस्ट है, इनमें से देखिएगा 3096 पोस्ट को ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जाएगा। कैसे करके मैं बताता हूं। दरअसल हमारे प्रदेश में ऑलरेडी जो सहायक आरक्षक रूप में कर्मचारी कार्यरत हैं, 3096 कर्मचारी जो कार्यरत हैं, उनको देखिएगा इस पर्टिकुलर फोर्स में जो आरक्षक का पोस्ट है 3136, उसमें संविलियन किया जा रहा है, उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है और सीधे सीधे उनको आरक्षक रूप में इसमें भर्ती दी जा रही है। अब देखिएगा दोस्तों, इस संविलियन के पश्चात इस डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स में मात्र 40 आरक्षक के पोस्ट वेकेंट रहेंगे, प्लस देखिएगा उप निरीक्षक के भी 40 पोस्ट वेकेंट रहने वाले हैं। तो हो सकता है आगे चलकर इन पर भर्तियां हों, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसके डिटेल्स वगैरह मेंशन नहीं है। तो देखिएगा बाकी पदों पर यहाँ पर क्या होने वाला है, संविलियन होने वाला है। जो सहायक आरक्षक पहले से कार्यरत हैं, उनको देखिएगा इस पर्टिकुलर फोर्स में आरक्षक के रूप में संविलियन किया जाएगा, यानी कि पोस्टिंग दी जाएगी। तो इससे देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर सहायक आरक्षक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज इसलिए भी है, क्योंकि ये जो सहायक आरक्षक रहे हैं, इनमें देखिएगा वेतन विसंगतियों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा धरना वगैरह भी हुए थे। तो ये जो संविलियन होगा, यानी कि डायरेक्ट आरक्षक के रूप में इनको पोस्टिंग मिलेगी, इससे देखिएगा जो वेतन विसंगतियां हैं ये भी दूर होंगी, और देखिएगा इनको जो है आरक्षकों के समान जो है वेतन वगैरह भी मिलते रहेगा। तो इनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है।
हैं। तो मुख्य रूप से देखिएगा, कल सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था उसका मोटा मोटी जो सार होता है वो यही चीज है जो मैंने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त देखिएगा यहाँ पे जो बात की जा रही है, आगे चलकर लगभग 4000 पदों पर जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भर्तियां होनी है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देखिएगा यहाँ पे जो संविलियन होना है वो एक गुड न्यूज यहाँ से निकल के आता था। बहुत सारे चैनल ने थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमा फिरा के बात कहा जो कि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। इसके अतिरिक्त मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दू, यहाँ पे मैंने जितने भी अपडेट्स पर चर्चाएं की है, पीडीएफ पर चर्चाएं की है, अगर आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को जस्ट क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इन समस्त अपडेट्स को और पीडीएफ को वहां पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।